हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स्ड इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, जो एसएससी जेई का पेपर हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनमें से किसके पास ये एबिलिटी है कि वो एनर्जी को स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? सुपर कंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो कैपेसिटर इसका करेक्ट आंसर है। जो रजिस्टर होते हैं वो एनर्जी डेसिपेटिंग डिवाइस होते हैं, वो एनर्जी स्टोर नहीं करते। जो इंडक्टर होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो कैपेसिटर होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, ये यही एक्सप्लेनेशन दिया है। रजिस्टर डज नॉट स्टोर द एनर्जी, इट डेसिपेट द एनर्जी। इंडक्टर इज स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। इनमें से किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इसका आंसर होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर के पास लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डी करेक्ट आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद होते हैं कंडक्टर में, उसके बाद सेमी कंडक्टर का नंबर आता है, फिर हमारे इंसुलेटर में लीस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है इंसुलेटर का, ये है सेमी कंडक्टर का और ये कंडक्टर का। इससे हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इंसुलेटर में देखिए, हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी गैप या बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। तो इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड हमारा फुल होता है लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करें, तो उसके लिए हमें कम से कम मिनिमम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। इसी तरह सेमी कंडक्टर में देखिए, हमारा जो वैलेंस बैंड है वो ऑलमोस्ट फुल होता है और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, लेकिन इनके बीच में जो बैंड गैप एनर्जी होती है, यानी जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, 1 eV का होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कंडक्शन हो या हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएं, तो उसके लिए हमें केवल 1 eV की एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा है कंडक्टर। कंडक्टर में आप देख रहे हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं है, जिसके कारण हमारे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही इजीली कंडक्शन बैंड में भी मूव करते हैं और कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 coulomb ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। 1 coulomb चार्ज किसके इक्वल होता है? तो 1 coulomb चार्ज इज इक्वल टू द 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनको हम कूलाम में मेजर करते हैं, और कूलाम हमारी SI यूनिट होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन किया जाता है? चार्ज फॉलोइंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलाम में मेजर करते हैं। कूलाम हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक यूनिट टाइम में वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट।
इसको हम देते हैं आई इक्वल टू क्यू बाय टी से, जहां पे आई करेंट है, क्यू चार्ज है और टी टाइम है। अगर आपको इसमें से चार्ज निकालना है, 1 कूलम इज द चार्ज फ्रॉम अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर फॉलोइंग इन 1 सेकंड। 1 कूलम चार्ज वो कहलाता है जब 1 एम्पियर का करेंट 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो 1 कूलम इससे आप निकाल सकते हो, 1 कूलम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो यह आ जाएगा 6.24 × 10⁻¹⁸। ठीक है, तो यहाँ पे 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द अप्रोक्सीमेट वोल्टमीटर रीडिंग फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट के लिए हमारे वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वोल्टमीटर होता है वो हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए, 2 रजिस्टर के सीरीज में हमारा वोल्टमीटर लगा है। तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने के कारण ये हमारे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमें यहाँ वोल्टमीटर के अक्रॉस मिलेगा, यानी 200 वोल्ट। ठीक है, तो 200 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वोल्टमीटर और अमीटर के बारे में। वोल्टमीटर का यूज किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए अक्रॉस द डिवाइस, अमीटर का यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए अक्रॉस द डिवाइस। अब वोल्टमीटर में द पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम व्हेन डिवाइस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें मालूम है कि जब भी डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए हम वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब अमीटर के केस के लिए हमें मालूम है कि जब हमारे जो डिवाइस हैं या जो कंपोनेंट हैं सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच का करंट इक्वल होता है, इसीलिए अमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आइडियली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसके कारण कोई भी एरर नहीं आती मेजरमेंट में, और आइडियली अमीटर के बीच का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसीलिए देयर इज नो एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में कोई एरर नहीं आती। ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गया। अब यहाँ जो सर्किट दिया है उसमें देखिए, इन अ गिवन सर्किट द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन बिटवीन 2 रजिस्टर, देयरफोर द सर्किट इज ओपन सर्किट। यहाँ पे वोल्टमीटर हमारे 2 रजिस्टर के बीच में सीरीज में कनेक्ट है, इसीलिए ये हमारे इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। आइडियली इनफाइनाइट होगा तो यहाँ ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, इनके बीच में करेंट 0 हो जाएगा, करंट 0 होगा तो यहाँ पे वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वही वोल्टेज हमें वोल्टमीटर के अक्रॉस मिलेगा, यानी 200 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 3 mA, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन एवरी मिनट इज अबाउट। एक कंडक्टर है जो 3 mA का करंट कैरी करता है, तो उसमें हर मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें करंट का फॉर्मूला मालूम है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर से वो कहलाता है करंट। ठीक है, ये करंट की डेफिनेशन है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। क्यू को हम कैसे लिखते हैं, Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और T टाइम है। तो इस फॉर्मूले से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाय t अपॉन e निकाल सकते हैं। यहाँ पे I हमें मालूम है 3 mA, t हमें मालूम है 60 सेकेंड या 1 मिनट और e का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने निकाल के भी बताया है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जहां n हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन कूलाम, t टाइम है। तो e की वैल्यू ये हो गई, करंट हमें मिली एम्पियर में दिया है तो हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे, t आ गया हमारा 60 सेकेंड, सबको रखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 1.12 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर
रजिस्टर R3 बिकम ओपन सर्किटेड, द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी, ये हमारा सर्किट है, इसमें R3 के पैरेलल में हमारा वोल्ट मीटर लगा है। तो अगर हमारा R3 ओपन सर्किट है तो हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? तो यहाँ पे देखिए R3 हमारा ओपन सर्किट है, तो जो सर्किट है उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, जिसके कारण जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वही वोल्टेज हमें वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिलेगा, यानी 250 वोल्ट। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द SI यूनिट ऑफ, वॉट किसकी SI यूनिट होती है? करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस। तो जो वॉट है वो हमारे पावर की SI यूनिट होती है, करंट की होती है एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट्स, रेजिस्टेंस की ओम, पावर की होती है वॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉट यूनिट ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म बाय पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वर्क परफॉर्म हुआ उसको हम कहते हैं वॉट। ठीक है, और हॉर्स पावर में 1/746 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है, पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी इज वोल्टेज, आई करेंट, तो डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, पी नहीं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय पी इक्वल टू वी आई, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, आई इज द इलेक्ट्रिक करेंट और पी इज द इलेक्ट्रिक पावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, एक रजिस्टर का रजिस्टेंस निकालना है ओम्स में, वेन द करेंट थ्रू द रजिस्टर इज 2 एम्पियर, अगर रजिस्टर से 2 एम्पियर का करेंट फ्लो हो रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 40 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रजिस्टर के एंड में 40 वोल्ट का है, तो हमें रजिस्टेंस फाइंड करना है रजिस्टर का। तो कैसे फाइंड करेंगे? R इक्वल टू रजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, तो V कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 20 आ जाएगा। A करेक्ट आंसर है, ये देखिए A करेक्ट आंसर है, करंट इज गिवन बाय 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, तो हमें ओम्स लॉ मालूम है V इक्वल टू आई आर, तो इससे R निकाल सकते हो, तो हमने R निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमें मालूम है कैसे निकालेंगे, जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जस्ट ऑपोजिट उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये तीनों हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 1/CEQ इक्वल टू 1/4 माइक्रोफेरेड प्लस 1/10 प्लस 1/40। जैसे हम वो निकालते हैं ना रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी का ऑपोजिट हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी सीरीज में है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये वाला जो वैल्यू आएगी उसके साथ ये हमारा पैरेलल में होगा, तो जो भी हमारी ये वाली वैल्यू आएगी उसके साथ हम प्लस कर देंगे 20, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने यही किया है, ये तीनों कैपेसिटर जो है 4, 10 और 40 माइक्रोफेरेड वाले सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया सीरीज कॉम्बिनेशन से इस तरीके से, तो ये वैल्यू आ गई 2.67 माइक्रोफेरेड। अब ये 2.67 माइक्रोफेरेड जो है इसको हम 20 से ऐड कर देंगे, ये देखिए तो हमारे पास 22.67 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिलीवर्ड बाय द करेंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमें पावर फाइंड आउट करनी है, कितनी पावर डिलीवर कर रहा है ये करेंट सोर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो पावर फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस 6 और 4 ओम वाले हमारे सीरीज में है, तो 4 + 6 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 10 ओम, ये 10 ओम आ जाएगा, ये 10 और 3 जो है वो हमारे पैरेलल में आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 10 × 3 यानी 30 / 10 + 3 13 आ जाएगा। अब इसके साथ 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके सीरीज में होगा, तो प्लस 2 ओम,
तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकला है, ठीक है, ये हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, आई स्क्वायर आर, आर से हम पावर निकाल लेते हैं, तो हम पावर निकाल लेंगे, आई की वैल्यू हमें दी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, तो आप फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर इन वॉट ऑफ लैंप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम के लिए हमें लैंप ए और लैंप बी की पावर निकालनी है। यहाँ पे देखिए पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है कि अगर हमारे लैंप सीरीज में लगे हैं तो हम आई स्क्वायर आर से पावर निकाल लेते हैं, अगर लैंप हमारे पैरेलल में लगे होते तो वही हम वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल पाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में लगे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें आर निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर ये हमें निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट इससे फाइंड कर लीजिए, और आई की वैल्यू, आई हमें मालूम है आई कितना होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो सबसे पहले हमें वी अपॉन आर निकालना पड़ेगा। तो आर के लिए सबसे पहले यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालो, तो ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो 15 आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 15, 10 प्लस 5, ठीक है। अब वोल्टेज दिया है 40, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15। अब 40 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है वो कर लीजिए, तो ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आर में पर्टिकुलर लैंप की निकाल लीजिए, फॉर लैंप ए पावर कितनी निकल आएगी, पी ए हमारा आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये इस तरीके से निकाल लेंगे पावर ए की, और बी की पावर निकाल लेंगे 40 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, तो दोनों की कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेट भी की है, सबसे पहले हमने करेंट निकाला, करंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हमने दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे इसलिए उनको ऐड कर लिया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया, और यहाँ पे हमने निकाल ली करंट की वैल्यू। अब पावर ए के लिए आई स्क्वायर आर ए, और पावर बी के लिए आई स्क्वायर आर बी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे आई की वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से लैंप ए और बी की पावर निकल आई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एसएससी जेई के एग्जाम में पूछे गए थे, और इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ जिससे आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़े कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।